हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के इस एनवायरनमेंट टू पोर्शन को पढ़ने वाले हैं जैन से जून तक। तो आज के इस सेशन में शुरू करने वाले हैं डॉल्फिन से। डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन पंजाब के स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी है। रेयरेस्ट मैमल्स के अंदर इंडिया में जो इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर भी इंडस, बीएस और सतलज रिवर्स में ज़्यादा पाई जाती है डॉल्फिन। ये फ्रेश वाटर स्पीशीज है जो कि बुलान कहते हैं इसको, जो जहाँ पे इंडस रीजन पे, गैंजेस वाले रीजन पे सुसु के नाम पे जानते हैं। जांगजी प्रोविंस चाइना के अंदर बेजी कहते हैं इन डॉल्फिन्स को, और अमेजॉन के अंदर बोटो। तो याद रखने वाली जो चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ चाइना की यांगजी रिवर डॉल्फिन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया हुआ है, बाकी सारे रिवर्स डॉल्फिन को हमने एंडेंजर्ड वाले लिस्ट में डाल दिया हुआ है। तो इंडस रिवर डॉल्फिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन पे ज़्यादा पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर भी होते हैं ये, और कंजर्वेशन स्टेटस इसके मैक्सिमम एंडेंजर्ड होते हैं, ना कि एक ही बस सिर्फ यांगजी जो रिवर डॉल्फिन है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट वाले पोर्शन में मंचलापुर लेक, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स अभी रिसेंटली विजिट किया इन रीजन को, कहाँ पर है मंचलापुर लेक? ये रायचूर कर्नाटक के अंदर है। ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर्स के बीच में ज़्यादा बनती है ये लेक, और तो इसीलिए इसी कारण माइग्रेटरी बर्ड्स इसको विजिट करते हैं, जैसे कि पेंटेड स्टॉक हेरॉन्स, ग्रेट फ्लेमिंगोस, ये सारे बर्ड नेम्स हैं जहाँ पे इस लेक तक आते हैं माइग्रेटरी रूट के कारण। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, एशियंट एलिफेंट आइलैंड अलायंस। ये कॉपरेशन है जो 96 आउट ऑफ 101 जो कॉरिडर्स है जहाँ पे भी एलिफेंट ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर, जो असम से लेकर केरला, कर्नाटका, मेघालय, इन सारे चीज़ों में स्टेट्स के अंदर जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं, इनके अंदर 5 स्टेट्स को वर्ल्ड ये WTI ने, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, 5 ऐसे स्टेट्स को ले रखी है, वहाँ पे उन्होंने ये एलिफेंट अलायंस के तौर पे देखा जाएगा कि कितने एलिफेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाई जा रही है इस वाले 5 स्टेट्स में। तो यही है इम्पोर्टेंस और न्यूज़ के अंदर, पर इस वाले अलायंस के बारे में देख लेंगे। ये 5 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का अलायंस है, जो कि एलिफेंट फैमिली, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, और IUCN नेदरलैंड्स, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, ये 4-5 NGOs मिलकर एक एशियन एलिफेंट अलायंस मिलाकर 100 ऐसे हैबिटेट कॉरिडोर्स को नेक्स्ट आने वाले 10 साल में एलिफेंट्स की अच्छे से देखभाल करने का इरादा बनाते हुए एक एम और ऑब्जेक्टिव से हाफ ऑफ द वर्ल्ड एशियन पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ही मिलता है। इसीलिए इन्होंने इस 5 स्टेट्स को लेकर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे कुछ देखते हैं कि संभालते हैं एलिफेंट्स को इस रीजन के अंदर। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में। कंजर्वेटरी ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती क्या है? अभी रिसेंटली हुआ क्या था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इंडिया ने होस्ट किया था गुजरात के अंदर, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, CMS जो कन्वेंशन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें इसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल मैराइन एवियन स्पीशीज़, मतलब बर्ड्स, लैंड के एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स, इन सब चीज़ों को एक कन्वेंशन की तरह कंजर्व करती है। कंजर्व मतलब प्रोटेक्ट करती है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरह एक लीगल फाउंडेशन बनाते हुए UNEP के अंदर, यूनाइटेड एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंदर, बॉर्न कन्वेंशन जर्मनी सिटी पे साइन हुआ था पहली बार, और तब से लेकर अब तक कंजर्वेशन करती रही है। इसकी यूनिकनेस क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिकनेस यही है कि एक सिर्फ एक ही कन्वेंशन है जो कि बर्ड्स के बारे में जो बात कर सकती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो ये है CMS, और ये अपेंडिक्स 1 और 2 लिस्टिंग में बर्ड्स को क्लासिफाई करते जाती हुई है। और अगला सेशन जो COP12 समिट होने वाली हुई थी पिछली बार 2017 में, वो मनीला फिलीपींस में हुई थी, और रिसेंट वाली जो 13 समिट हुई है वो इंडिया के अंदर हुई है। तो ये है इंपॉर्टेंस, और फर्स्ट टाइम कॉप एशिया पे जो जहाँ पे हुई है, 13th कॉन्फ्रेंस इंडिया पे ही हुई है गुजरात के अंदर, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं केल्प फॉरेस्ट के बारे में। अब अंडर वाटर सी के अंदर जो आप ये ऐसे वाले फॉरेस्ट को देख रहे हो ना ग्रीन कलर के, इसको केल्प फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि अंडर वाटर इकोसिस्टम होते हैं, टेम्परेट और पोलर रीजन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल इक्वाडोर रीजन के आसपास में भी दिखा है ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, ये लार्जली ब्राउन ग्रीन एल्गे के पोर्शंस का फॉरेस्ट होते हैं, इसीलिए ग्रीन कलर, जैसे प्लांट सब्सटेंसेस, जैसे कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स में ज़्यादा जहाँ पे सनलाइट पहुँच सकती है
वहीं पर ज्यादा केल्प फॉरेस्ट को देखने का मौका मिलेगा। ये ट्रॉपिक से लेके कोरल रीफ्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट और बहुत सारे ऐसे रीजन्स में देख सकते हैं। इसको लेस देन 20 डिग्रीज टेम्परेचर चाहिए होता है। ये मोस्ट प्रोडक्टिव है और एलनीलो के कारण इनकी बहुत तकलीफ हो जाती है, इनकी जो सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज एलनीलो जैसी आ जाएगी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगी उस रीजन की, 20 डिग्रीज से ज़्यादा टेम्परेचर ये सह नहीं सकते, तो इसकी ख़त्म हो जाती है उस रीजन पे। इसीलिए केल्प फॉरेस्ट न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी ये वाली इश्यू? इसीलिए क्योंकि रिसेंटली इन्होंने यही कहा था, रिसर्चर्स ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से केल्प फॉरेस्ट घटती रही है, तो इसके कारण केल्प फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। और इनकी इंपॉर्टेंस जैसे देख सकते हो कि एक मैरन ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट बनाते हुए, मोस्ट प्रोडक्टिव और डायनेमिक से इकोसिस्टम्स पे, एक सीजनल चेंजेस को देखते नजर आते हुए, एक एल्गे होते हुए वहाँ के रीजन का जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए, बाकी ऑर्गेनिजम्स को फूड की तरह काम करते हुए नजर आती रहती है इसकी इंपॉर्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। बट थ्रेट्स के हिसाब से देखोगे तो ये डैमेज हो रही है कोस्टल पोल्यूशन, फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, जैसे कि बोट्स या शिप वहाँ पे ऑयल स्पिल कर दिया, वैसे वाले रीजन्स की वजह से केल्प फॉरेस्ट बहुत नुकसान वाली पोजिशन में आ गए। अब आते हैं पैंगोलिंस के बारे में। ये पैंगोलिंस का क्या हुआ, चाइना में मेडिसिन तैयार होता है इसके बॉडी का ऊपर जो स्केल्स लेते हुए, इसीलिए ये चाइना पे बहुत ज़्यादा इसको क्या कर रहे हैं लोग, इसको पकड़ लेते हैं और मेडिसिन की तरह यूज कर लेते हैं। पैंगोलिंस क्या है, एक स्केली मीट एनिमल्स हैं जो कि केराटिन स्केल्स इसके बॉडी के ऊपर होते हुए, ये ओनली मैमल्स हैं जिसके ऊपर ये जैसे स्केल्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा एंट और टर्माइट्स को खाते, दीमक को ज़्यादा खाती है, और ये इसकी टंग जो होती है बहुत लंबी टंग होती है, इनकी दांत नहीं होती है। ये कहाँ पे, टू स्पीशीज इंडिया के अंदर दो स्पीशीज पाई जाती है, जैसे कि एक इंडियन पैंगोलिन कहते हैं, दूसरी चाइनीज पैंगोलिन कहते हैं। इंडियन पैंगोलिन तो एंडेंजर्ड है और चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो यही है पैंगोलिन का जो इश्यू हुआ था, तो इसके बारे में। अब आते हैं ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में। रिसर्चर्स ने यही कहा था कि हॉर्नबिल अभी उन्होंने अपना घर बदल दिया है, तो ऐसे न्यूज़ में आते हुए ग्रेट हॉर्नबिल का इंपॉर्टेंस बनता है। ये ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ पे देखा जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इसकी जो ट्राइबल कल्चर के अंदर जो वैल्यू है, क्योंकि इसको भगवान की तरह मानते हुए ट्राइबल्स इसकी पूजा करते हैं, लॉन्ग लिव्ड भी है, मतलब 15 कैप्टिविटी में रखोगे आप, अगर एक जू में भी रखोगे ये 50 साल तक रह सकती है, इक्वल टू ह्यूमन बींग का लाइफ। और ये मैमल्स और रेप्टाइल्स और बर्ड्स को खा के अपना जीवन आगे बढ़ती हुए ए वल्नरेबल स्टेटस में आती है IUCN रेड लिस्ट के अंदर, Appendix 1 साइट्स के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब इसको दिया गया है, दर्जा दिया गया है कि इसकी प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट हॉर्नबिल। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं, ब्लैक बग। ब्लैक बग अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इसको ना स्ट्रे डॉग्स जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो काट देती है, कहाँ पे, पंजाब के अबहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो इसीलिए ब्लैक बर्ड न्यूज़ में थी। तो ब्लैक बर्ड के बारे में देख लेते हैं, ये इंडियन एंटलोप कहते हैं, और ये इंडिया के अलावा नेपाल पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। ये नेटिव तो इंडिया है और अभी बांग्लादेश में एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब एक भी पॉपुलेशन उसका नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन एरियाज में देखा जाएगा और वाटर की बहुत अवेलेबल होने चाहिए तभी वहाँ पे देखा जाएगा। ये पंजाब की स्टेट एनिमल भी है, पंजाब की ब्लैक बग। अब थ्रेट्स और कंजर्वेशन स्टेटस पे देखोगे तो ये डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट डिग्रेडेशन के कारण इसकी नंबर संख्या घट रही है। शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर लिस्ट कंसर्न लिस्ट में आती है, मतलब इसकी अच्छा खासा पॉपुलेशन इंडिया में बनती है, तो इसीलिए इसको लिस्ट कंसर्न वाली स्टेटस दी गई है। और अभी जो न्यूज़ में थी जो कि अबहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो पंजाब के अंदर है, और ये प्राइवेट लैंड ने सब लोग पूल करके एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोगों ने ही बनाया था, और एक ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स डेसिडस फॉरेस्ट वहाँ पे पाई जाती है। अब आएंगे ब्रैम्बल के मेलमीज कै और टॉरस स्ट्रेट। क्यों ये न्यूज़ में थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो एनिमल है अभी एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब ख़त्म ही होगी इसकी पॉपुलेशन। रिसर्चर्स ने अब तब जानना देखा कि वाई डिसअपीयरेंस होगी, क्यों एक्सटिंक्ट होगी है, कुछ रीजंस उन्होंने डिसाइड किए, उसके बारे में हमें कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। अब हमें जो ज़रूरी है वो है इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की कि ये रैट फैमिली को बिलोंग करती है, ग्रेट बैरियर रीफ और एंडेमिक मैनिमल एनिमल्स है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पे देखने को मिलेगा ज़्यादा,
और ये क्वींसलैंड और टॉरस स्ट्रेट के आसपास में मिलती है, ब्रैम्बल के मेलोनीज। और के बारे में देखिए, के इज अ लो एलिवेशन, मतलब के आसपास में मिलती है। के क्या है, एक आइलैंड है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट का, सेडिमेंट्स, लूज सेडिमेंट्स होती है वहाँ पे, और ग्रेवल, और आइलैंड को मोटू भी कहते हैं क्योंकि ग्रेवल इतनी ज़्यादा होती है तो मोटू के नाम पे कहते हैं वहाँ पे सेडिमेंट्स के कारण। और टॉरस स्ट्रेट भी ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिना के बीच में जो स्ट्रेट सेपरेट करती है दो लैंड मासेस को और कनेक्ट करती है दो वाटर मासेस को, उसको स्ट्रेट कहते हैं। और ये स्ट्रेट कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडियन पैसिफिक ओशन को मिलाते हुए, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को सेपरेट करते हुए, टॉरस स्ट्रेट और के आइलैंड पे हमें ये ब्रैम्बल के मेलोमीज का एक्सटेंशन हो गया, उस एरिया पे पाई जाती थी पहले। ये है न्यूज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट और फॉरेस्ट राइट के बारे में, जो कि लास्ट पोर्शन बनता है इस वाले फेब्रुवरी सेशन में, जो 2019 में न्यूज में थी, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड रिलेटेड इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स, जो रिसेंटली क्या हुआ था, सेवरल इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स मतलब कन्वेंशन बहुत सारे थे, तो इंडिया ने यही कहा था कि हम ऐसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो पे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जिनका भी हक नहीं बनता वहां पे रहने का। जैसे देखिए, अगर मैं, मेरी जो नौकरी लग गई है 20 साल पहले, तो मैं वहाँ पे चली गई कुछ ऐसे शेड्यूल ट्राइब पे एरिया पे, वहाँ पे मैंने कैसे भी करके कुछ सर्टिफिकेट मंगा लिया और वही एरिया का मैं सारे रिसोर्सेस यूज़ कर रही हूँ, बट यूजुअली आई एम नॉट द नेटिव, वहाँ के रीजन की नेटिव नहीं हूँ, ना मैं शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में आती हूँ। तो इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे जो भी लोग वहाँ पे हैं जो शेड्यूल ट्राइब नहीं कह जा सकता है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर कहने के लिए एक रूल है, अगर आप उस एरिया में 75 ईयर्स पहले आपके जो दादा दादी थे, एंसेस्टर्स थे, मम्मा पापा थे, वहाँ पे रहना चाहिए, तभी आपको वो फॉरेस्ट ड्वेलर का रूल राइट मिलेगा, अगर वो नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके कारण फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ऐसे कोई भी लोग वहां पे रहेंगे उसको बाहर निकालो। तो उसके कारण बहुत हड़ताल हुई थी, मचा दिया गया था, और बीच में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वापस आके उस पे उस वाले जजमेंट पे स्टे लगा दिया। अब इश्यू क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, जिसको इसके राइट के थ्रू जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दे गई है शेड्यूल ट्राइब्स और लोकल वाले ट्राइब्स को, वो इम्पोर्टेंट बनता है डिस्कशन के लिए। पहला होगा टाइटल राइट्स। टाइटल राइट्स क्या होते हैं, ओनरशिप, मतलब 4 हेक्टेयर के आसपास मैक्सिमम आपको ओनरशिप दिया जाएगा, आप कोई सा भी नया लैंड्स आपके अंदर नहीं आएगा, आप सिर्फ 4 हेक्टेयर लैंड का कल्टीवेशन कर सकते हो, और आप ग्रेजिंग पैस्टोरलिस्ट रूट्स कर सकते हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप ले सकते हो, वहाँ के बैम्बू, छोटे छोटे पौधे, प्लांट्स एंड ऑल दैट। एंड देन रिलीफ और डेवलपमेंटल राइट्स भी आपके हिसाब से होगा, अगर आपको वहाँ से उठा दिया जाता है तो ये मेंशन ज़रूर करेंगे गवर्नमेंट कि आपको कहीं और रोजगार या फिर लाइवलीहुड मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको बाहर फेंक देंगे। दूसरी है फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, जहाँ पे आपको फॉरेस्ट, जहाँ पे ये एक्ट कहती है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए। तो ये एक्ट को कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और ग्राम सभा डिसाइड करती है कि क्या मैं वहां पर एक ट्राइबल कह जा सकती हूँ या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स मुझे मिलना चाहिए ये कि नहीं, ग्राम सभा डिसाइड कर लेती है। ये है हमारी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। अब कुछ लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं इस वाले सेशन के थ्रू। टर्मिनोलॉजीज हैं, 3 डिफरेंट तरीके का है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था हमारे जो कन्वेंशंस के तौर पे वहाँ पे एनवायरनमेंट लेक्चर सीरीज़ में, जो कि हमारे अरोड़ा IAS यूट्यूब चैनल पे ही है मेंशनड है, और 35 लेक्चर सीरीज़ में ऑलमोस्ट लाइक यूनिट 11th एंड 12th पे आपको ये टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाके, नोट्स भी PDF भी फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट के अंदर, आप वो डाउनलोड करके वो वीडियो देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन दे दूंगी इस चीज़ों का कि कार्बन फुटप्रिंट, रिसेंटली महात्मा गांधी का जो जयंती था उस टाइम पे, एंड जैसे ही वो जनवरी के एंड पे उनकी जो एनिवर्सरी बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा था कि हमें महात्मा गांधी की जैसे लाइफस्टाइल जीना चाहिए, ताकि हम ऐसे कुछ भी हमारी तरफ से कार्बन को ज़्यादा पड़ाव ना देते हुए। तो इसी के कारण कार्बन फुटप्रिंट, ऑफसेटिंग और क्रेडिट, 3 तरीके का टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले देख लेते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब हम जैसे आपने बाइक यूज़ कर लिया, आप यहाँ से मतलब ओल्ड राजनगर से मोती नगर चले गए, तो आपने व्हीकल एग्जॉस्ट के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज किया आपके व्हीकल के थ्रू, तो उसके कारण कितना ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हुआ,
कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज किया उसी को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। उसके कारण कितना कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस की वजह से आपने जो भी कारण किया, आपने मतलब व्हीकल यूज किया या फिर रोड कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड मटेरियल्स मैन्युफैक्चर किया, ऐसे कौन से मतलब प्रोडक्शन की वजह से कितना प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए उसको इक्वेट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। अब आते हैं कार्बन ऑफसेटिंग के बारे में। ऑफसेटिंग मतलब आपको ऑफ सेट करना है, मतलब आप सेट कर रहे हो कि कुछ गोल को कि और राजन नगर से हमें मोती नगर जाना है, तो ऑफ सेटिंग कैसे कर लेते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लोगे। अगर मान लीजिए आपने एक इंडस्ट्री लगा दिया और राजन नगर के अंदर, तो अभी ऑफ सेट कैसे कर लोगे, आप ये कर लोगे कि उनके अंदर एक ऐसा रिफॉर्म्स लेकर आओगे, चिमनी को बहुत लंबा और फिल्टर लगा देना उसके ऊपर, ताकि एग्जॉस्ट ना बढ़ते जाएं, तो उस वाले रिफॉर्मेटिव जो मैकेनिज्म्स लेके आते हो उसको ऑफसेटिंग कहते हैं, ताकि इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम होता जाए, उसको कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं। और तीसरी बात है कार्बन क्रेडिट, मतलब कार्बन क्रेडिट वो होती है, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स होती है। जैसे देखिए अब क्या हुआ था कि इंडिया वाले ने सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उठा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अफ्रीका के अंदर ना जहाँ पर भी लोग गैस स्टोव्स नहीं मिलती है, वहाँ पे बहुत बेरोजगारी है एंड बहुत ज़्यादा पावर्टी है ना, तो वहाँ पे जाके हमारे इंडिया वाले ने गैस सिलेंडर्स और गैस स्टोव्स सप्लाई कर दिया एक रीजन पे, मान लीजिए मलावी रीजन पे उन्होंने दे दिया सारे जो घर वाले जो सदस्य हैं उनको, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ लिया और उसी डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया गैस स्टोव्स और गैस सिलेंडर्स। उसके कारण वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के सॉरी अफ्रीका के अंदर मालावी रीजन में कम होता जाएगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जैसे कम होता जाएगा, थर्ड पार्टी इवेल्युएशन ऑडिटर वहाँ पे पहुँच के देख के इवेल्युएट करते हुए एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा इंडिया को कि आपने आपकी वजह से मालावी कंट्री में कुछ कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ, तो वो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट हम रख सकते हैं और उसके कारण हम किसी और कंट्री से भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट। तो ये है कार्बन ऑफसेटिंग, क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। तो अगले सेशन में फिर न्यू टॉपिक्स के बारे में आएंगे आपके सामने, तो तब तक जय हिंद।